हेलो एवरीवन, लेट्थ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड है प्रीपोजिशन से, और ये आपका तीसरा सेट है, तीसरी सीरीज़ है जिसमें मैंने प्रीपोजिशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को कवर किया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और वहीं से मैंने लिए हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अधिकतर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। बस थोड़ा सा हिंदी वगैरह जैसे आपने कर लिया कि ऑन का मतलब पर होता है, इन का मतलब में होता है, तो इस वजह से आपके जो क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने ऐसे क्वेश्चन को कवर किया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हैं हुए हैं और थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। सिंपल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न जिसमें ज़्यादा होता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मिलता जाए। और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट मिले हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी है कि आप एक तो बड़े वीडियो थोड़े से अपलोड कीजिए और इसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियो भी अपलोड कीजिए, तो वो मैं बहुत ही जल्द करने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, तो अभी ये जो वीडियो है इसमें मैंने 10 ही क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शी वॉक्स ब्लैंक द रोड। चलिए यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर मैं अपना एक्सप्लेनेशन क्लियर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट जो लगाते हैं वो ऑप्शन लगाते हैं ऑन, और आई थिंक आपने भी यही सोचा होगा कि शी वॉक्स ऑन द रोड, क्योंकि वो रोड पर चलती है। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी पर्सन रोड पर नहीं चलता है, रोड पर बस चलती है, रोड पर गाड़ी चलती है, कोई भी पर्सन रोड पर नहीं चलता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। ऑन तो हम तब लगाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई कार है जो रोड के ऊपर चल रही है, तो वहाँ पे द कार इज़ रनिंग ऑन द रोड, क्योंकि कार जो होती है वो रोड के बिल्कुल बीच में चलती है और ऊपर चलती है। और यहाँ पे बात हो रही है शी की, किसी लड़की की, तो कोई भी लड़की बिल्कुल बीच रोड पे नहीं चलेगी, वो रोड के किनारे किनारे चलती है। और जब भी किनारे की बात होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अलोंग। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा शी वॉक्स अलोंग द रोड। यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है, जैसे जो ट्रेन की पटरी पे हम चलते हैं तो उसके ऊपर नहीं चलते हैं, हम साइड साइड से चलते हैं, तो बैंक ऑफ द रिवर या फिर रोड या फिर ट्रेन, तो इस टाइप के जब कोई सेंटेंस बनते हैं तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा अलोंग द रोड। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शी वॉक्स ब्लैंक द फुटपाथ। अब यहाँ पर देखिए सेम मैंने क्वेश्चन लिया है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था फुट और इस सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था रोड और इस वाले क्वेश्चन में हमने लिया है फुटपाथ। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पर्सन होता है वो बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर ही चलता है, तो फुटपाथ के अगर ऊपर चलता है तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आपका ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर होता है तो वहाँ पर हमको यूज़ करना है ऑन, तो इस वाले क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे ऑन। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द कार इज रनिंग द रोड। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि यदि कोई कार या बस ये जो होती है तो ये रोड के ऊपर चलती है, और अगर रोड के ऊपर चलती है तो हम यूज़ करेंगे ऑन, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन द रोड। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई सा माई फ्रेंड लिनिंग द ट्री। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है वो है ऑन, बिसाइड, अगेंस्ट और बाय। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताइए कि लीन से मीनिंग क्या होता है। तो लीन से मीनिंग होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से सटी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा, इसमें ये जो पर्सन है ये पेड़ से लीन है। लीन है मतलब कि यहाँ पर इससे ऐसे सटा हुआ खड़ा है। तो जैसे जो दीवार होती है तो दीवार से सीढ़ी जो होती है वो सटी हुई होती है, तो उसको हम लीन का यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी कोई पर्सन किसी दीवार से या किसी पेड़ से ऐसे सटा हुआ खड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर उसका मीनिंग होता है लीन। तो जो इस तरह की कंडीशन होती है वहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अगेंस्ट। जब भी कभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन बिसाइड हो सकता है,
पर बिसाइड में और अगेंस्ट में मैं डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कोचिंग क्लास पे, ट्यूशन में, स्कूल्स वगैरह, कॉलेज में या फिर कहीं पे भी दो पर्सन एक साथ बैठे हैं तो वो जो पहले वाला पर्सन है वो दूसरे पर्सन के बिसाइड बैठा है। बिसाइड का मतलब होता है पास में, जहाँ पे बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है। लेकिन अगर मान लो वो जो दो पर्सन बैठे हैं उसमें किसी एक को नींद आ जाती है और वो दूसरे वाले के कंधे पे जाके सो जाता है, तो वहाँ पे वो उससे लीन हो जाता है। लीन मतलब ऐसे उसको टच करके सो जाता है। तो ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट। तो जब दो व्यक्ति आसपास में बैठे हैं तो वहाँ पे बिसाइड आता है, लेकिन ये जो कंडीशन बन रही है ये अगेंस्ट की बन रही है। तो यहाँ पे हम इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यूज़ करना है अगेंस्ट। चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने सेम लिया है कि राम इज़ सिटिंग माई फ्रेंड, मतलब राम जो बैठा है वो मेरे दोस्त के पास में बैठा है। और यहाँ पे सिचुएशन है दो पर्सन के आसपास में बैठने की, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिसाइड। तो यहाँ हो जाएगा आपका राम इज़ सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है बिटवीन, अमंग, बिसाइड और बिसाइड्स। तो यहाँ पे देखिए हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़ तो हो नहीं सकता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा और बिसाइड का मतलब होता है के पास। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बिटवीन और अमंग। अब आपको बताया बिटवीन का यूज़ करते हैं हम दो पर्सन के लिए और अमंग का यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। अब यहाँ पर देखिए उसने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं करा है कि दो है या दो से ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा, वो मिलेगा ईच अदर। तो ईच अदर से क्लियर हो जाएगा कि ईच अदर का मतलब होता है दो पर्सन। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अगर लिखा है राम एंड श्याम तो वहाँ पर आप लगाइएगा ईच अदर, या अगर लिखा हुआ है बिटवीन तो आप लगाइएगा ईच अदर, और अगर लिखा हुआ है ईच अदर तो आप लगाएंगे बिटवीन। तो यहाँ पर बिटवीन और ईच अदर से मीनिंग एक ही होता है, दो के बीच में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा बिटवीन। चलिए, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स ब्लैंक वन अनादर। अब इसके पहले आपने पढ़ा था ईच अदर। ईच अदर से मीनिंग होता है दो पर्सन, और वन अनादर से मतलब होता है मोर देन टू पर्सन। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में इसका जो ऑप्शन है वो लगाएंगे अमंग। तो अमंग से मीनिंग हो जाएगा दो से ज़्यादा। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग वन अनादर। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन और ईच अदर एक ही चीज़ है, और वन अनादर और अमंग जो है वो सेम थिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिज इज ब्लैंक द रिवर, ओवर द रिवर, अबोव द रिवर, ऑन द रिवर, अपॉन द रिवर। अब यहाँ पर अधिकतर लोग इसमें ऑप्शन लगा देते हैं ऑन द रिवर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई कंडीशन इस तरह की बनती है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये ब्रिज दिख रहा होगा, ये ब्रिज इधर से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल उधर तक जा रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये होती है अक्रॉस की कंडीशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे अक्रॉस। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन बनती है तो वहाँ पे हमको यूज़ करना होता है अक्रॉस। और अभी मैं आपको ओवर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बताऊंगा कि ओवर को कैसे यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ब्रिज जो है वो रिवर से, रिवर के ऊपर है, बट वो उसकी सिचुएशन जो है वो इस तरीके से इधर से स्टार्ट हो रहा है उधर तक जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर सेंटेंस ऐसा होता कि कोई बर्ड है और वो एक नदी के ऊपर उड़ रही है, तो वो कंडीशन होती है जब कोई बर्ड है या फिर कोई एरोप्लेन है इधर से उधर ऐसे मूव करता हुआ अगर जाता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओवर। पर इस क्वेश्चन में कोई मूव नहीं कर रहा है, इसमें चीज़ इधर से उधर तक लगी हुई है, तो ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे अक्रॉस। तो अक्रॉस और ओवर में ये डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे ओवर लगा देते हैं तो मीनिंग कुछ अलग ही हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इस नदी के एक साइड में एक ऐसा पुल है जो हमको बिठा था और उठा के ले जाके उस तरफ छोड़ता है, जैसे कि वो मूवमेंट करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में आप यूज़ करेंगे अक्रॉस। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि द बर्ड इज़ फ्लाइंग, तो आप यूज़ करेंगे ओवर द लेक। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक, द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द सी, द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द रिवर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द ट्रेन इज़ रनिंग द टनल। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है ट्रेन की, कि ट्रेन इज़ रनिंग द टनल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है द ट्रेन इज़ रनिंग द टनल। टनल जो सिचुएशन होती है, देखिए आप ये जो ट्रेन आ रही है इसमें टनल मतलब कि वो एक गुफा के अंदर से आ रही है। तो ये जो पोजिशन होती है यहाँ पर हमको यूज़ करना होता है थ्रू।
थ्रू, मतलब जैसे कि हमारे घर में जो पाइपलाइन होती है उसमें एक तरफ से पानी जाता है, बिल्कुल दूसरी तरफ तक जाता है, तो वो पानी जो होता है वो थ्रू जाता है, थ्रू मतलब पाइप के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेन है ये एक अपने गुफा के थ्रू होके आ रही है, तो यहाँ पे हमको यूज़ करना होगा थ्रू द टनल। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द केट जम्प्ड ब्लैंक द टेबल। अब यहाँ पे देखिए जम्प की बात हो रही है और बात हो रही है टेबल की, तो टेबल पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है पहले से होता है टिका हुआ होता है तो ऑन यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो मूवमेंट करता है तो हमको यूज़ करना होता है अपॉन। चलिए आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, और आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगले वाले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ जो आपका लास्ट जो MPSI का पेपर हुआ था उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, जो 30 क्वेश्चन है 30 के 30 क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जो है वो देखना ना भूलें, वो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। कल संडे आ रहा है तो संडे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा।